अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर मम्मीज़ किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तैयार कर रहे हैं एग सैंडविचेस, जो कि आप ब्रेकफास्ट में ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। और ये वेजिटेबल एग सैंडविचेस हैं, बहुत ही इजीली बन जाएंगे। इसमें हमने घी सबसे पहले यूज़ किया है 1 टेबल स्पून। ये हमारे रेगुलर जो एग सैंडविचेस होते हैं, जिसमें हम सब्ज़ियाँ ऐड करके तैयार करते हैं, वो ये तरीका बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो कि मुख्तलिफ होंगे। आप इसको गौर से देखिएगा। इसमें हमने अंडे डाले हैं, 2 हैं, और इसमें साथ ही साथ हमने काली मिर्च साथ और नमक 1-1 चुटकी इसमें ऐड किया है। और आप अच्छे से इसको फेंट लीजिए। नॉर्मली हम हमारे अंडे के अंदर ही वेजिटेबल्स को ऐड कर लेते हैं, तो ये है कि हमने सबसे पहले एक अंडे का एक तरह से नमक और काली मिर्च डालकर हम अंडा तैयार कर लेंगे। और फिर उसके बाद जब तक वो हाफ़ कुक होगा, हम उसमें वेजिटेबल्स ऊपर से एक तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। आपको आपकी मर्ज़ी से जो भी सब्ज़ियाँ पसंद हैं आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको मशरूम्स या फिर ऑलिव्स भी पसंद है, तो आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ब्रेड स्लाइसेस रखेंगे। नॉर्मल सैंडविचेस की तरह नहीं है, ये एक मुख्तलिफ तरीके से तैयार किया गया है, और ये बहुत ही जूसी और क्रीमी फ्लेवर इसका होगा। बहुत ही एहतियात से अब आप इसको फ्लिप करेंगे। देखिएगा कि आपका अंडा कम्प्लीटली कुक हो चुका हो, और जितना भी रह गया है बाकी आप अब इस बारी में कुक हो जाएगा। स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। जिस तरह फोल्ड कर रही हैं मामा, वैसे ही आपने फोल्ड करना है। और यहाँ पर आप कम्प्लीटली एक चीज़ स्लाइस जिस तरह की रखा जा रहा है इसी तरह रखेंगे। अगर चाहें तो आप श्रेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक लोडेड चीज़ सैंडविच ये तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये है कि ये बहुत ही क्विकली बन जाएगा, और फिर इसे गर्मा गर्मा अगर आप इस सर्दी के मौसम में खाएंगे तो ये बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें चीज़ है, तो एक बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आपको हेल्दी भी है ये लगेगा। यहाँ तक वीडियो को कम्प्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।